उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा बहरूपिया कहकर संबोधित किया है। दरअसल वो आज राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री के भावुक होने पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस सचिव सचिन चौधरी इतने भर से नहीं रुके, हमलावर होते हुए बोले कि ये लोग नौटंकीबाज हैं, अब ये रोएं गिड़गिड़ाएं, देश के लोग इन्हें समझ गए हैं, अब इन्हें कोई वोट देने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री की ये हरकतें बहरूपिये वाली ही हैं। कृषि बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन में राकेश टिकैत की भूमिका पर पूछे गए सवाल पर बोले कि ये आंदोलन बहुत बड़ा है, अगर राकेश टिकैत छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें और भी संगठन है। इन कानूनों के चलते इस सरकार का और नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी देश के अब तक के सबसे कुख्यात प्रधानमंत्री के रूप में साबित होंगे। कांग्रेस सचिव सचिन चौधरी इतने भर से ही नहीं रुके और बोलते चले गए, कहा अगर कांग्रेस की कुछ गलतियां ना होती तो क्या वजूद था इन भाजपाइयों का, अमित शाह को छुड़ाते नहीं, संघ को खोलते नहीं, सब गुंडा एक्ट में पड़े होते, हिस्ट्री शीटर हैं इनके सारे लोग। आंदोलन अच्छा जा रहा है और मैं अपील करूँगा सभी किसानों से कि इस आंदोलन में मदद करें। ये लड़ाई किसानों के साथ साथ देश के सभी उन वर्गों की है जो मजदूरी करते हैं, नौकरियां करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। कल को जो महंगाई बढ़ेगी कहीं ना कहीं सभी को नुकसान उस चीज़ का होगा। आज राज्यसभा से चार सांसदों की विदाई थी, प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आज़ाद के लिए धन्यवाद देते, चार बार रोए हैं, क्या संदेश, क्या मानती कांग्रेस, कांग्रेस के लिए रोए हैं, गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोए हैं? अच्छा, मैं तो इसमें एक ही बात कह सकता हूँ आपको कि जो बहरूपियापन ये लोग करते हैं उसे अब जनता नकार चुकी है और अब जो इनकी नौटंकियाँ हैं वो जनता को पसंद नहीं है। अब ये रोएं गिड़गिड़ाएं, इन्हें कोई वोट देने वाला तो अब है नहीं। मतलब प्रधानमंत्री बहरूपिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो भी किस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो सब बहरूपिया हैं मेरी नज़र में। एक दिन पहले गाली दो किसानों को, गाली दो, सैकड़ों किसान शहीद हो गए विरोध में, समर्थन में तो एक भी बीजेपी का कोई शहीद नहीं हुआ है। कोई किसान दूसरा समर्थन में अगर आके शहीद हुआ हो तो ज़रा दिखाओ। जब विरोध में शहीद हो रहे हैं तो समर्थन में तो शहीद होने चाहिए, समर्थन में भी तो आंदोलन होने चाहिए, अगर बिल इतना ही अच्छा होगा तो है ही नहीं, ये सबको पता है। पूरा आंदोलन राकेश टिकैत को केंद्रित कर रहा है, राकेश टिकैत के बारे में आपकी क्या राय है? वो भी किसान है और ये आंदोलन खाली राकेश टिकैत जी का नहीं है, अगर वो आंदोलन छोड़ भी देंगे तो भी आंदोलन चलेगा। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, निर्धारित नहीं है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है। तो क्या कांग्रेस मानती है कि राकेश टिकैत आंदोलन छोड़ने जा रहे हैं? मैंने कहा आपसे कि अगर वो छोड़ भी देंगे, कोई भी छोड़ देगा तो भी आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है और ये अपने आप हुआ है, किसी ने किया नहीं है। एक चीज़ सवाल होता है, किसान आंदोलन कहीं जाट आंदोलन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? जयंत चौधरी आ गए हैं, जाट बहुल क्षेत्रों में पंचायतें कर रहे हैं, महा पंचायतें हो रही हैं, मुजफ्फरनगर, बागपत, अब आज 12 तारीख बिलारी में भी है, जाट आंदोलन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का बोलबाला है और इसलिए शायद ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगला कदम, अच्छा एक सवाल हो रहा है, पूरे आंदोलन को लेकर के विपक्ष क्या सोचता है? पूरे आंदोलन को लेकर पूरा विपक्ष ये सोचता है कि बिल वापस हो, जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, उनको नौकरियां दी जाएं, 50-50 लाख रुपए दिए जाएं। विपक्ष का ये मानना है क्योंकि वो भी हमारे ही परिवार के लोग हैं जो शहीद हुए हैं और वो किसानों के लिए और देश के लिए शहीद हुए हैं। इस निकम्मी सरकार ने जो किसानों को मारने के लिए ये लोग बिल लाए हैं, ये सरकार काले काले इतिहास लिखे जाएंगे इनके। खासकर जो मोदी जी का जो रवैया रहा है किसानों को मारने का, कालाबाजारी बढ़ाने का, MSP को ख़त्म करने का और MSP के कानून ना बनाने का, नरेंद्र मोदी जी का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में। देश के सबसे कुख्यात प्रधानमंत्री के रूप में साबित होंगे, आप देख लीजिएगा। एक सवाल हो रहा है, क्या 2022 की तैयारी में है विपक्ष? क्या यूपी की बात कर रहा तो समय बता देगा आपको, हमेशा से तैयारी में रहे हैं। जब तक ये EVM अपने पास रखेंगे, तैयारी तो सब लोग करेंगे, बुलेट पेपर से चुनाव करा के देखें, अगर सीट 3 भी आ जाए उत्तर प्रदेश में तो पता लग जाएगा। एक लास्ट सवाल है मेरा, राकेश टिकैत क्या वोट को मैनेज कर रहे हैं भाजपा के लिए? क्योंकि कहीं से सवाल उठ रहा है कि भाजपा के लिए राकेश टिकैत काम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आंदोलन किसी का नहीं है,
40 बड़े संगठन हैं इसमें, उसमें से एक राकेश जी हैं, 39 और भी हैं।